A very good morning to all of you. Good morning. How are you all? Good. अच्छे हैं? पक्का? अच्छे ही रहना है ना? अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे अच्छे से हेल्दी फूड खाना है, स्ट्रॉन्ग बनना है. Yes or no? Yes. Okay. Then let's start with the short prayer. Join your hands. Close your eyes. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओ गॉड हेल्प अस टू बी गुड टू डू टू अदर्स एज वी शुड नॉट टू हेट बट टू लव सेंड अस पीस फ्रॉम के नेम पढ़े थे ना, याद है कि भूल गए? रोज, लिली, सनफ्लावर, ट्यूलिप पढ़े थे ना, याद है सबको? हिपिकस. यस. तो आज हम उनके स्पेलिंग्स करेंगे. क्या करेंगे? स्पेलिंग लिखेंगे उनके. मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगी उनके स्पेलिंग. आपको अपनी ईवीएस की 4 लाइन की नोटबुक में लिख लेने हैं और लर्न कर लेने हैं. ओके. तो देखो ये किसका फोटो है? चंपा. तो चंपा की स्पेलिंग लिखेंगे हम यहाँ पे CHAMPA. चंपा. देखो CHAMPA. CHAMPA. चंपा. सेकंड किसका स्पेलिंग है? रोज का. तो यहाँ पे लिखेंगे ROS. रोज. क्या है? ROSE. रोज. फिर ये क्या है? मोगरा. तो MOGRA. मोगरा. MOGRA. मोगरा. फिर ये क्या है? लोटस. लोटस की स्पेलिंग लिखेंगे LOTUS. लोटस. LOTUS. लोटस. ठीक है. उसके बाद छोटे छोटे स्पेलिंग लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे. ये नहीं लेंगे शू फ्लावर, हिबिस्कस, जैस्मिन, ये सब नहीं लेंगे. फिर लेंगे अपन मैरीगोल्ड. मैरीगोल्ड मतलब गेंदा. MARIGOLD. मैरीगोल्ड. MARIGOLD. मैरी गोल्ड. फिर लिली. LILY. लिली है ना. फिर क्या है? ट्यूलिप. ट्यूलिप की स्पेलिंग होती है TULIP. ट्यूलिप क्या होती है? TULIP. ट्यूलिप. फिर क्या है? सनफ्लावर. तो SUN सन. FLOWER फ्लावर. SUN FLOWER सनफ्लावर. तो हमने क्या करा आज? वी हैव डन द स्पेलिंग्स ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स की स्पेलिंग करी. फिर से रिपीट कर लेते हैं हम. CHAMPA चंपा. चंपा को हिंदी में भी चंपा ही कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है ROSE रोज. रोज मतलब गुलाब. MOGRA मोगरा. मोगरा को हिंदी में भी मोगरा ही कहते हैं.
LOTUS, लोटस। लोटस मीन्स कमल का फूल। लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। कल बताया था ना मैंने आपको हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है, राष्ट्रीय फूल, तो क्या कहोगे आप? लोटस। लोटस कहाँ पे उगता है? पानी में। बताया था ना मैंने कि ये वाटर के अंदर उगता है। ये एक ही ऐसा फ्लावर है जो वाटर के अंदर उगता है, लोटस। फिर क्या है? MARIGOLD, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड मतलब गेंदा, गेंदे के फूल, जिससे भगवान जी को चढ़ाने की मालाएं बनती हैं, है ना? देखा है ना अपने ऑरेंज कलर कैसे बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं, ऑरेंज और येलो कलर के। तो मैरीगोल्ड मतलब गेंदा। फिर क्या है? LILY, लिली। लिली से बुके बनते हैं। बताया था ना मैंने आपको कि लिली से बुके बनते हैं, यस। फिर क्या है? TULIP, ट्यूलिप। ट्यूलिप है ना, ओके। इससे भी क्या बनते हैं? बुके बनते हैं। फिर SUNFLOWER, सनफ्लावर, सूरजमुखी। सनफ्लावर को सूरजमुखी क्यों कहते हैं? सनफ्लावर को सनफ्लावर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा फ्लावर है जिसका फेस ऑलवेज सन की तरफ होता है। जहाँ सन होगा उसका फेस वहीं पे होगा, इसीलिए सनफ्लावर को सनफ्लावर कहते हैं। सूरजमुखी, सूरज की तरफ मुख करने वाला, मुख मतलब फेस। सूरज की तरफ जो फ्लावर मुंह रखता है उसको कहते हैं सूरजमुखी। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, आपकी EBS की 4 लाइन की जो बुक है उसके अंदर आपको ये सारे स्पेलिंग लिख लेने हैं और याद कर लेने हैं। ठीक है, जितने याद हो उतने करना, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आने ही चाहिए, बट ट्राई करना कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्पेलिंग याद हो सके। ठीक है, पक्के से लिख लोगे ना? ये 4 लाइन की बुक EBS की बनानी है और उसी में लिखना है ये सब। पहले भी स्पेलिंग्स मैंने जितने भी लिखवाए हैं वो सारे उसी में लिखने हैं। डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइट? अब ऐसे कर बर्ड्स, ऐसे करते करते अपन आए हैं फ्लावर्स तक। तो फ्लावर्स की भी स्पेलिंग आपको ये हेडिंग डालना है, स्पेलिंग ऑफ फ्लावर्स, वो करके उसके बाद नीचे ऐसे ही 1-to-1 लिखना है, एक के नीचे एक। मेरे पास उतनी जगह नहीं है इसलिए मैंने आधा पोर्शन यहाँ लिखा है। आपको मैरीगोल्ड यहाँ लिखना है, फिर लिली यहाँ, फिर ट्यूलिप, फिर सनफ्लावर, ऐसे एक के नीचे एक लिखना है। ओके, कंप्लीट कर लोगे पक्के से ना, और लर्न भी करना है। ठीक है, ओके, फिर नए और अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू।